मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज शिवदयाल सिंह जी, जिनको प्यार से स्वामी जी महाराज कहते हैं, उनका एक पद लेने जा रहे हैं। स्वामी जी महाराज का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ और 1878 ईस्वी तक आगरा और उसके आसपास स्वामी जी अलख जगाते रहे। कहते हैं स्वामी जी महाराज, गुरु ध्यान धरो तुम मन में। अध्यात्म की यात्रा गुरु से शुरू होती है। सबसे पहले अपना नाता गुरु से जोड़ो, गुरु का स्मरण करो, गुरु के प्रेम में पढ़ो और इसके बाद ही गोविंद का ज्ञान होता है। गुरु के पीछे गोविंद खड़ा, बाकी सब धर्म कर्म पछड़ा। धर्म के नाम पर जो भी हम करते हैं उसका कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है, लेकिन गुरु से जहाँ से नाता शुरू होता है, जब सद्गुरु हमारे जीवन में आता है तभी हमारे जीवन में बसंत आता है। जिसके लिए चरण दास कहते हैं, जग में दो तारन को नीका। हमारा उद्धार केवल दो ही कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? एक तो ध्यान गुरु का कीजिए, एक तो गुरु का ध्यान, गुरु का स्मरण, गुरु से नाता जोड़ना, गुरु से प्रेम, और दूजे नाम धनी का। गुरु से जब हम नाता जोड़ते हैं तो एक ओंकार सतनाम का ज्ञान देता है। उसी को एकमात्र धनी तो राम ही है, वही एकमात्र धनवान है। इसलिए धनी शब्द का प्रयोग भी राम के लिए, गोविंद के लिए संतों ने किया है। केवल यही दो हमारा उद्धार कर सकते हैं। कहते हैं स्वामी जी महाराज, गुरु नाम सुमिर छिन छिन में। गुरु ने जो नाम दिया है, गुरु ने जो ओंकार का ज्ञान दिया है, उस ओंकार के सुमिरन में जियो और उस ओंकार के सुमिरन में हर क्षण जियो, सांस सांस जियो। ये नहीं कि एक घंटे सुमिरन कर लिया और बाकी संसार में लिप्त हो गए, भोगों में लिप्त हो गए। सदा ही गोविंद के सुमिरन में जीना है। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, नाम सुमिर मन बावरे कहा फिरत भुलाना हो। कहते हैं कि अय पगले, नाम का सुमिरन करो, तुम कहाँ संसार में भूले फिरते हो, विषय भोगों में उलझते फिरते हो। मट्टी का बना पुतला पानी संग साना हो। इस बात का स्मरण करो कि जो मनुष्य का जन्म मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, ये सदा रहने वाला नहीं है, एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए जब तक ये जीवन है, जब तक इस दिया में तेल और बाती है, बस तभी तक नाम भजने का अवसर है। मट्टी का बना पुतला और पानी संग साना हो। जैसे कुम्हार पानी सान करके माटी में कुछ पुतले बना लेता है, कुछ मूर्तियां गढ़ लेता है, ऐसे ही पंच तत्व की माटी से हमारी काया का निर्माण हुआ है और एक दिन ये विनष्ट हो जाने वाली है। एक दिन हंसा चली बसे, एक दिन पंछी उड़ जाएगा, केवल पिंजरा रह जाएगा। ठीक वैसे ही बस एक दिन यह शरीर गिर जाएगा और इसके भीतर जो जीवात्मा है वह यहाँ से कूच कर जाने वाली है। एक दिन हंसा चली बसे, घर बार वीराना हो, और ये घर वीरान रह जाएगा। इसलिए इसके पहले कि ये पंछी उड़ जाए, इसके पहले कि ये जीवात्मा का हंस विदा हो जाए, जो भी क्षण उपलब्ध है, जो भी समय उपलब्ध है, इसका गोविंद के स्मरण में हमें लगा लेना है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, गुरु ही गुरु गाओ भाई। संतों ने गुरु के महिमा के बड़े गीत गाए हैं। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि गुरु ही केवल आत्मिक ज्ञान दे सकता है। शिक्षक तो हमें बौद्धिक ज्ञान देता है, शिक्षक तो हमें ऑब्जेक्टिव नॉलेज देता है, ऑब्जेक्टिव ज्ञान देता है, लेकिन जो सब्जेक्टिव ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, वो केवल गुरु ही दे सकता है। और जब आत्मा से हम परिचित हो जाते हैं तभी सही आनंद हमारे जीवन में आता है। आत्मानंद ही असली आनंद है और इस आनंद का बोध केवल सतगुरु करा सकता है। इसलिए संतों ने गुरु की महिमा के इतने गीत गाए हैं। गुरु ही गुरु गाओ भाई, जिसके लिए स्वामी जी अन्यत्र कहते हैं, चेत चल जगत से बौरे। कहते हैं जगत से अब गोविंद की ओर चलो, संभोग से समाधि की ओर चलो। चेत जल जगत से बौरे, ये जगत से नाता तोड़ो, गोविंद से नाता जोड़ो। कपट तज गहो गुरु शरण। अब ये कपट नहीं चलेगा, अब ये पाखंड नहीं चलेगा। जो संसार में मुखौटा ओढ़ करके ज़िंदगी को जो हम जीते हैं, ये मुखौटे भरी जिंदगी अब गोविंद की यात्रा में किसी काम आने वाली नहीं है। कपट तज गहो गुरु शरणा। अब सब ये जगत के जंजाल छोड़ करके सदगुरु के शरण में चलो। फिरे गाफिल तू मद माता, अंत सिर पीट कर मरना। तुम ऐसे ही बेखबर होकर के मूर्छा में ज़िंदगी को जी रहे हो और अंत में पछताते पछताते यहाँ से विदा हो जाओगे, अंत में सिर पीटते पीटते विदा हो जाओगे, अगर गुरु का शरण नहीं लिया, गुरु से नाता नहीं जोड़ा।
कहते हैं स्वामी जी महाराज, गुरु ही फिर होए सहाय। क्यों गुरु के शरण में जाना है, क्यों गुरु से नाता जोड़ना है? क्योंकि अंत में गुरु ही सहाय होता है। मृत्यु के बाद कोई साथ तुम्हारे चलता नहीं, ये गुरु का दिया हुआ नाम यही तुम्हारे साथ चलता है। गुरु के द्वारा जो नाम मिला, इस नाम के सुमिरन में जो तुमने जिया, नाम के सुमिरन की पूंजी जो तुमने अर्जित की, नाम धन अर्जित किया, यह धन ही तुम्हारे साथ जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए। गोविंद भी रूठ गया तो कोई बात नहीं, गुरु की शरण चले जाओ और गोविंद को मना लेगा। लेकिन कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। लेकिन कहीं गुरु रूठ गया, अगर तुमने गुरु से द्रोह कर लिया और गुरु रूठ गया तो गोविंद भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कहते हैं स्वामी जी महाराज, जितने पद ऊंचे नीचे गुरु बिन कोई नाहीं पहुँचे। अब यहाँ से बहुत ही रहस्य की बात शुरू हो रही है। ये जो अंतर यात्रा पर जब जाओगे तो 14 रूहानी मंडलों की यात्रा करनी पड़ती है। जैसे मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, फिर नाभि के पास मणिपुर चक्र है, फिर हृदय के पास अनाहत चक्र है, फिर कंठ के पास विशुद्ध चक्र है, और उसके बाद और भी रहस्यमय मंडलों की शुरुआत होती है। सहस्रदल कमल है, 7वां त्रिकुटी है, 8वां दशम द्वार है, 9वां सुन्न है जिसको भंवर गुफा भी कहते हैं, फिर उसके आगे महाशून्य है, उसके आगे सतलोक है, उसके आगे अलख लोक है, उसके आगे अगम लोक है, उसके आगे अकह लोक है। ऐसे 14 मंडलों की रूहानी यात्रा हमें करनी होती है। और जैसे ओशोधारा में जब आते हो तो विभिन्न समाधियों के माध्यम से तुम्हें हम इन लोगों का भ्रमण कराते हैं, और यह सदगुरु ही करा सकता है। कहते हैं स्वामी जी महाराज कि गुरु बिन कोई नाहीं पहुँचे। गुरु के बिना इन 14 मंडलों की यात्रा तुम्हें कोई भी नहीं करा सकता है। गुरु बिन कोई ना ही पहुँचे, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु पूरा भेंटियो बड़ भागी, मन ही भया परगासा। ये जो सौभाग्यशाली कोई होता है उसी के जीवन में पूरे गुरु का पदार्पण होता है, और फिर तो तुम्हारे भीतर तुम्हारे जीवन में उजाला आ जाता है। ज्ञान का उजाला कहो, आनंद का उजाला कहो, प्रेम का उजाला कहो, कोई न पहुँचन हारा दूजा। कोई भी तुम्हें गोविंद तक नहीं पहुँचा सकता है। और अपने साहिब का भरोसा, बस अपने गुरु का भरोसा रखो, वही तुम्हें इन 14 रूहानी मंडलों की यात्रा करा सकता है, वही गोविंद के दरवाजे तक तुम्हें ले जा सकता है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, गुरु ही घट भेद लखाया। ये जो घट है, इस घट का रहस्य केवल गुरु ही उजागर कर सकता है। इस घट में बहुत कुछ है, इस घट में नाद है, नूर है, अमृत है, आनंद है, चैतन्य है, बहुत कुछ है इस घट में, और इसका रहस्य केवल सद्गुरु ही बता सकता है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, परे जब संत के द्वारे संत ने आप सब किना। कहते हैं पलटू साहब कि पहले तो मैंने बहुत सत्संग किया, बहुत तरह के अनुष्ठान किए, बहुत तरह की साधनाएँ की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन अंत में जब संत से हमने नाता जोड़ा, सदगुरु से नाता जोड़ा, तो फिर सब कुछ, सारे रहस्य मुझ पर प्रकट होने लगे। दास पलटू जब ही पाया, गुरु के चरण चित लाया। जब सदगुरु के चरणों से हमने प्रेम किया, उसके बाद ही सारा सत्य उजागर हुआ, सारा सत्य मुझ पर प्रकट हुआ। कहते हैं स्वामी जी महाराज, गुरु ही सुन शिखर चढ़ाया। अब यहाँ से भेद खोल रहे हैं, रहस्य मंडलों का भेद खोल रहे हैं। कहते हैं इसे भंवर गुफा, जहाँ हम ध्यान में जाते हैं, जहाँ निराकार में जाते हैं, उसी को भंवर गुफा कहा है संतों ने। कहते हैं गुरु ने मुझे सुन शिखर का भेद बताया। ये जो नवा मंडल है उसकी बात कर रहे हैं। यहीं से सच कहो तो असली यात्रा शुरू होती है। ये जो नवा मंडल है, जहाँ से ध्यान में भंवर गुफा, इसलिए सारे संतों ने भंवर गुफा पर बड़ा जोर दिया है, निराकार पर बड़ा जोर दिया। ओशो इसको निराकार कहते हैं, भंवर गुफा को, क्योंकि यहीं से ध्यान से ही यात्रा शुरू हो सकती है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, और महाशून्य भी गुरु दिखलाया। अब ये सच खंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर समाधि में प्रवेश होता है। अब अंतराकाश की बात हो रही है। निराकार और अंतराकाश में थोड़ा भेद है। अंतराकाश में गहराई भी होती है, वहाँ जाकर के समाधि लगती है। कहते हैं ये बात भी, समाधि की बात भी मेरे गुरु ने समझाई, और गुरु भंवर गुफा दर्शाई। ये भंवर गुफा को सुंद मंडल भी कहते हैं, जहाँ हमने कहा कि अब बार बार फिर लौट रहे हैं कि ध्यान से ही समाधि की यात्रा शुरू हो सकती है। ये ध्यान की बात कौन बताएगा?
ये निराकार की बात, ये भंवर गुफा की बात, कहते ये तो मेरे गुरु ने ही बताया, नहीं तो मेरे को तो कुछ पता नहीं था कि ध्यान कैसे लगेगा, निराकार क्या होता है, भंवर गुफा क्या होता है। फिर कहते हैं गुरु सत्य लोक पहुँचाया, और उसके आगे अद्वैत की बात है, अद्वैत समाधि में जब वशोधारा के आओगे तो वहाँ सत्य लोक को जानोगे, जहाँ पर तुम जानोगे कि हम उस पूर्ण के अंश हैं, आई एम पार्ट ऑफ द होल। ये अब सत्य लोक की यात्रा है जहाँ परम सत्य तुम पर विदित होता है। फिर कहते हैं गुरु अलख अगम परसाया, अलख लोक गुरु दिखलाता है। जब कैवल्य समाधि में आओगे तो वहाँ देखोगे कि सारा अस्तित्व मेरा विस्तार है। ये उस लोक की बात है, अलख लोक की बात है कि जहाँ केवल केवल मैं हूँ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है, सारा अनंत विस्तार मेरा ही विस्तार है, अहम ब्रह्मास्मि। ये अलख लोक की बात है। फिर कहते हैं अगम परसाया, ये निर्वाण समाधि में जब आओगे तो अगम लोक को जानोगे, जहाँ परमानंद की अनुभूति होना शुरू होती है, जहाँ तुम जानते हो कि मैं और तू जैसी चीज़ नहीं है, ना तो मैं उसका विस्तार हूँ ना वो मेरा विस्तार है, बस एक ही सत्ता है, एक ही अस्तित्व है, एक ही एग्जिस्टेंस है, इसको तुम अगम लोक में जानते हो। कहते ये बात भी मेरे गुरु ने बताई। अब इसके आगे भी है, ये तो निर्वाण समाधि, तुम 12वीं समाधि में इसको जानते हो, लेकिन वशोधारा में इसके आगे भी 21 तल के कार्यक्रम है जिसमें आगे की यात्रा तुम कर पाते हो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, गुरु ही सब भेद बखाना, ये सारी बातें जो मैंने तुमको बताई, मंडलों की बात बताई, मेरे गुरु ने, और स्वामी जी महाराज के गुरु तुलसी साहब हैं, कहते मेरे गुरु ने मुझे बताया, उसी के आधार पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और गुरु के सिवा इन मंडलों की यात्रा कोई नहीं करा सकता, इन मंडलों के अभेद कोई नहीं उजागर कर सकता। कहते हैं स्वामी जी महाराज, गुरु से राधा स्वामी जाना, ये जो राधा स्वामी स्वामी जी महाराज हैं, उनका मैंने अपने गुरु से जाना, तुलसी साहब जी से मैंने इसको जाना, और मैं ये बात तुम्हें अब बता रहा हूँ, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं भेदी लीना साथ कर दीनी वस्तु लखाए, किसी नाम के भेदी गुरु से नाता जोड़ो तो वही ये जो गोविंद का दीदार तुम्हें कराएगा, गोविंद का भेद तुम्हें बताएगा, एक ओंकार सप्त नाम का भेद तुम्हें बताएगा, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए, ये तो करोड़ों करोड़ों जन्म लग जाते हैं तब जाकर के गोविंद तक पहुँचना होता है, तो कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए, लेकिन अगर सतगुरु साथ हो, नाम का भेदी साथ हो, तो एक क्षण में तुम्हें सब कुछ करा देता है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, गोविंद का रहस्य उससे जानो, गोविंद के सुमिरन में जियो, और तुम पाते हो कि सारे मंडलों की, सारे रूहानी मंडलों की यात्रा वो पलभर में करा देता है। यही सहयोग है। हरिओम तत्सत।